दुनिया भर में किडनी की बीमारी की सबसे आम वजह मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप है। भारत में भी मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए किडनी के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। यह देखा गया है कि 50% से ज़्यादा लोगों को उच्च रक्तचाप क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट में होता है। उच्च रक्तचाप क्रॉनिक किडनी डिजीज का सेकेंड मुख्य कारण है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जिनमें पैरों में सूजन आना, पेशाब का रात में बार बार होना, खून का नहीं बनना, शरीर में खुजली का होना, थकावट होना, सांस का फूलना और बोन में दर्द होना, यह प्रारंभिक लक्षण हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं जैसे शुगर का कंट्रोल, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन से बचना, अपने डाइट पे विशेष ध्यान देना, नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान से बचना और एक उचित नींद आना, यह भी जरूरी होता है। यदि हम अपना शुगर नियमित जांच कराएं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें और किडनी की नियमित जांच उचित परामर्श लेकर के विशेषज्ञ को दिखाएं, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ को प्रारंभिक अवस्था में रोका जा सकता है।